हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम आपके लिए देखिए लेकर आ गए हैं कारवा के साउंड बार की अनबॉक्सिंग। दोस्तों आपको ऐसा साउंड बार चाहिए जिस पर सबवूफर का झमेला ना हो एंड केवल बार हो एंड आप म्यूजिक को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें, साथ में टीवी वॉचिंग कर सकें। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं कारवा के साउंड बार। दोस्तों अगर आपको ये मॉडल को परचेस करना है बेस्ट प्राइसेस पे तो आप पीसी मीडिया से परचेस कर सकते हैं। दोस्तों ये वाला जो साउंड बार है पीसी मीडिया पर आपको केवल 6500 रुपीस में मिल जाएगा। सो दोस्तों आज हम इस मॉडल को पूरा अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या खूबियां हमें इस साउंड बार पर मिल जाती है, क्योंकि ये सारे गामा कारवा साउंड बार है। सो आप सबको पता है यार कुछ अलग तरीके के इनके मॉडल्स होते हैं। सो देखेंगे कि यार इस पर क्या क्या खूबियां हमें मिल जाती है। साथ में दोस्तों यार आज की वीडियो में हम इसका काफी डिटेल पे साउंड टेस्ट भी करेंगे एंड आपको बताएंगे कि यार आपको 6500 रुपए इस मॉडल पर इन्वेस्ट करना बढ़िया है या नहीं है। सो वीडियो को आप पूरे एंड तक देखिएगा। बाकी दोस्तों यार हम आपके लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत डेडिकेशन से वीडियो बनाते हैं। अगर आपको हमारा हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन पसंद आएगा तो आप अपना प्यार हमें सब्सक्राइब करके दिखा सकते हैं, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करके, साथ में बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिएगा ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों इस मॉडल का हम जल्दी हिंदी में भी साउंड टेस्ट लेकर आएंगे इंस्टाग्राम पर, सो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। बाकी दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है, अगर आपको ये बेस्ट प्राइसेस पे परचेस करना होगा ये मॉडल या कारवा का कोई और मॉडल भी परचेस करना होगा तो आप पीसी मीडिया से परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं पीसी मीडिया का कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बॉक्स को थोड़ा डिटेल में दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों बॉक्स पर हमें सारे गामा कारवा म्यूजिक बार के बारे में मेंशन करा हुआ मिल जाता है, साथ में दोस्तों हिंदी भी लिखा हुआ है इसमें। देखेंगे कि यार हिंदी क्यों लिखा हुआ है इन्होंने। साथ में हमें देखिए मॉडल का जो डिजाइन है वो भी बॉक्स पर बना हुआ मिल जाता है एंड यहाँ पर एक थॉट दे रखा है, मोर देन जस्ट अ साउंड बार, मतलब ये कुछ ज्यादा बढ़कर है, साउंड बार से ज्यादा बढ़कर है। अब ये चीज देखेंगे यार दोस्तों। एंड दोस्तों मैं आपको इसका मॉडल नंबर भी बता देता हूँ। देखिए बॉक्स के इस साइड पर इसका मॉडल नंबर मेंशन करा हुआ मिल जाता है, CB120। दोस्तों ये इसका मॉडल नंबर है। अब इसके हम बैक साइड को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं एंड आपको बताते हैं क्या 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 फीचर्स हमें मिलते हैं इस पे। तो देखिए गाइस यहाँ पर भी हमें सारे हमारे जो लेजेंडरी सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, उन सबकी फोटोज मिल जाती है एंड यहाँ पर हमें थोड़े फीचर्स के बारे में भी मेंशन करा हुआ मिलता है। जैसे कि दोस्तों इस पर भी हमें 1000 प्री लोडेड एवरग्रीन सॉन्ग्स मिल जाते हैं इनसाइड से, यानी कि दोस्तों यार ये चीज बहुत बढ़िया है। आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनके लिए ये चीज काफी बेस्ट होने वाली है, क्योंकि अब इतने पुराने पुराने गाने हम लोग तो सुनते नहीं है, आप सबको पता है आज की जनरेशन नहीं सुनती है, बट जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको पुराने गाने काफी पसंद आते हैं एंड कारवा ने ये चीज हमें इनबिल्ट से दे रखी है 1000 गाने के साथ, तो बहुत बढ़िया है ये। साथ में हमें फीचर्स भी इस पर मेंशन करे हुए मिल जाते हैं बॉक्स पर, जैसे कि दोस्तों इस पर हमें FM रेडियो का सपोर्ट मिल जाता है, साथ में हमें ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है, HDMI ARC का भी सपोर्ट दोस्तों हमें मिल जाता है, यानी कि ऑडियो रिटर्न चैनल, कोएक्सियल का भी सपोर्ट मिलता है, साथ में ऑक्स एंड USB, इन सब की कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। एंड दोस्तों प्लस पॉइंट इसमें कुछ और हमें दे रखा है, जैसे कि ये मॉडल भी ऐप सपोर्टेड है, यानी कि आप सारे गामा का जो ऐप आता है उससे साउंड बार को पूरा ऑपरेट कर पाएंगे। साथ में दोस्तों हमें इस पर 60 वॉट का क्रिस्टल क्लियर साउंड मिलता है, ये चीज को आगे हम टेस्ट करके आपको बताएंगे। 2.0 स्टूडियो साउंड आउटपुट हमें मिलता है, 4 ऑडियो मोड्स भी हमें मिल जाते हैं, यानी कि 4 इक्वलाइजर बैंड्स भी हमें मिलते हैं। साथ में दोस्तों जो इसका साउंड बार है इस पर हमें क्वाड ड्राइवर्स मिल जाते हैं, यानी कि 4 ड्राइवर्स हमें साउंड बार पर भी लगे हुए मिल जाते हैं। सो दोस्तों अब अपने बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों बॉक्स हमने ओपन कर लिया है, सबसे पहले हम बॉक्स कंटेंट को आपको थोड़ा डिटेल में दिखा देते हैं। हमें साउंड बार को वॉल माउंट करने के लिए वॉल माउंट किट इस पर मिल जाती है। दोस्तों हमें रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है, इसे भी एक बार आपको दिखा देते हैं थोड़ा ओपन करके, और ये चीज बहुत बढ़िया कर रखी है, इस पर सेल हमें एक्स्ट्रा भी मिल जाते हैं। ये देखिए 2 बैटरीज हमें रिमोट कंट्रोल के लिए मिल जाती है। देखिए दोस्तों यार जो इसका रिमोट कंट्रोल है ये काफी प्रीमियम हमें मिल रहा है, पूरा मैट ब्लैक पे इसका डिजाइन दे रखा है, साथ में हम रिमोट कंट्रोल से जो साउंड बार को पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए हमें बटन्स मिल जाते हैं, साथ में देखिए दोस्तों हम बेस एंड ट्रेबल को भी एडजस्ट कर सकते हैं एंड हमें जो इक्वलाइजर मोड्स मिल जाते हैं म्यूजिक मूवी न्यूज उसे भी हम रिमोट कंट्रोल से एडजस्ट कर सकते हैं, 3D का भी मोड हमें मिल जाता है, सो हम अपने साउंड बार को रिमोट कंट्रोल से पूरा ऑपरेट कर पाएंगे।
एंड बिल्ड क्वालिटी भी दोस्तों बढ़िया हमें मिल जाती है। दोस्तों ये भी हमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इस पर मिल जाती है, हिंदी सॉन्ग की बुकलेट हमें मिल जाती है। मतलब कि दोस्तों इस पर हमें प्रीलोडेड जो 1000 सॉन्ग्स दे रखे हैं उन सब के बारे में दे रखा है। देखिए सबके जो लिरिक्स टाइटल हैं सॉन्ग्स के वो सारे इस पर दे रखे हैं, तो आप बुक के थ्रू भी देख सकते हैं कि आपका फेवरेट गाना कौन से नंबर पे है। साथ में दोस्तों हमें यूजर मैनुअल भी मिल जाती है, प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें यूजर मैनुअल पर मिल जाएगी। दोस्तों हमें पावर अडैप्टर भी मिल जाता है एंड पावर अडैप्टर की बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया हमें मिल जाती है। साथ में दोस्तों हमें ऑक्स केबल भी बॉक्स के अंदर मिल जाती है। चलिए दोस्तों अब हम आपको साउंड बार को थोड़ा डिटेल में दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले जो इसका डिजाइन है वो हमें काफी बढ़िया मिल जाता है। सर कैमरे को थोड़ा पास ले आइए एंड दिखाइए कि यार जो ग्लॉस पैनल दे रखा है इसमें वो कितना बढ़िया लग रहा है गाइस। मतलब देख के ये काफी प्रीमियम लग रहा है, आपको पसंद आएगा इसका डिजाइन। एंड सामने की तरफ से दोस्तों हमें देखिए ग्रिल इस पर मिल जाती है एंड सामने की तरफ से हमें इस पर क्वाड ड्राइवर्स मिल जाते हैं, यानी कि 4 ड्राइवर्स हमें मिल जाते हैं। एंड दोस्तों जो इसका आउटपुट है वो हमें 60 वॉट्स आर एम एस का मिल जाता है। सो देखेंगे कि यार ऑडियो क्वालिटी कितनी बढ़िया हमें मिलती है। एंड टॉप पर दोस्तों हमें इस पर बटन्स मिल जाते हैं, मैं आपको थोड़ा डिटेल में दिखा देता हूँ। देखिए पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, सारे गामा के लिए बटन मिलता है, जो प्री लोडेड इस पे सॉन्ग्स हैं वो हम यहाँ पे से बजा सकते हैं। दोस्तों हमें FM का सपोर्ट मिल जाता है एंड बटन भी मिला हुआ है, ब्लूटूथ, HDMI, कोएक्सियल, USB, ऑक्स, प्ले पॉज प्रीवियस नेक्स्ट प्लस माइनस, यानी कि वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए बटन्स मिल जाते हैं। तो हमें सारे बटन्स भी मिल जाते हैं, रिमोट कंट्रोल तो मिल ही रहा है एंड बटन्स भी हमें सारे मिल जाते हैं। अब दोस्तों हम इसके बैक साइड को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, पर यार जो इसका पैनल है ना दोस्तों वो देख के मजा आ गया, काफी प्रीमियम लग रहा है। तो देखिए दोस्तों बैक साइड पर हमें वॉल माउंट का ऑप्शन इस पर मिल जाता है, दिखाई दिया मैंने कि बॉक्स के अंदर हमें वॉल माउंट किट मिल जाती है, सो आप इसे टीवी के नीचे वॉल माउंट भी कर सकते हैं। साथ में दोस्तों हमें बैक साइड पर ही देखिए पोर्ट्स भी मिल जाते हैं, ये देखिए सबसे पहले हमें FM एंटीना केबल मिल जाती है, साथ में दोस्तों हमें HDMI ARC का पोर्ट मिल जाता है, कोएक्सियल का पोर्ट मिलता है, ऑक्स का पोर्ट मिल जाता है, USB का पोर्ट मिलता है एंड DC इनपुट पोर्ट, यानी कि अडेप्टर हमारा यहीं पे कनेक्ट होगा। नीचे से दोस्तों हमें रबर पैडिंग भी लगी हुई मिल जाती है, जिससे दोस्तों हम साउंड बार को बहुत अच्छे तरीके से प्लेस कर पाएंगे अपने टेबल पे। तो चलिए दोस्तों अब इसे पावर ऑन करते हैं एंड आपको इसका डेमो देते हैं। तो दोस्तों हमने इसे पूरा कनेक्ट कर लिया है, अब इसे पावर ऑन करते हैं एंड आपको इसका थोड़ा डेमो देते हैं। तो दोस्तों हम इसे रिमोट कंट्रोल से पावर ऑन करेंगे, पावर ऑन सारेगामा मोड। तो देखिए दोस्तों जैसे ही हमने इसे पावर ऑन करा डिस्प्ले तो हमें नहीं मिलता है, बट हमें टॉप पर जो बटन मिलते हैं उन पर LED इंडिकेटर मिल जाता है, सो जो भी हम फंक्शन ऑपरेट करेंगे वो LED इंडिकेटर पे शो हो जाएगा। तो मैं उसका थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ आपको। सर कैमरे को थोड़ा सा पास ले आइए, देखिए जैसे मैं FM में रखूंगा तो यहाँ पर देखिए FM पे आ जाएगा ये FM मोड। ये दोस्तों अगर मैं इसे ब्लूटूथ में रखूंगा तो ये देखिए ब्लूटूथ मोड में आ गया एंड देखिए अब ये ब्लिंक भी कर रहा है, जब मैं इसे कनेक्ट कर दूंगा तो ब्लिंक करना बंद कर जाएगा। तो दोस्तों इस पर LED डिस्प्ले नहीं होने के बाद भी फीचर्स जो दे रखे हैं काफी बढ़िया है, मतलब आपको कमी नहीं मिलेगी। अब जैसे कि थोड़ा सा और डेमो दे देते हैं हम आपको, देखिए हम इसे HDMI में रखेंगे तो ये HDMI मोड में आ जाएगा HDMI मोड। एंड ये चीज भी अच्छी कर रखी है इन्होंने कि ये बोल भी रहा है साथ में साउंड बार, तो क्या है कि अगर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स चला रहे हैं इसे तो उनके लिए काफी हेल्प हो जाएगी, उनको मतलब एग्जैक्ट पता लग जाएगा क्योंकि साउंड बार कमांड भी दे रहा है। अब दोस्तों मैं आपको सबसे पहले इसकी टॉप वॉल्यूम दिखा देता हूँ, अब डिस्प्ले नहीं है तो यार वो आप कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी टॉप वॉल्यूम कर लेते हैं, ये देखिए एक बीप साउंड आ जाता है, जैसे हम इसकी वॉल्यूम को मैक्स कर देते हैं तो इस पर एक बीप साउंड आ जाता है, तो ये चीज मुझे काफी बढ़िया लगी, मतलब इससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि यार जो वॉल्यूम है हमारी मैक्स है या नहीं है। एंड सेम यही प्रोसेस दोस्तों बेस एंड ट्रेबल को एडजस्ट करने में भी होती है, तो इसका भी मैं आपको डेमो दे देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमें बेस को एडजस्ट करने के लिए बटन्स मिलते हैं, सो हम बेस को फुल कर देते हैं, ये देखिए बीप साउंड आ रहा है, और ट्रेबल में भी सेम यही है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको ट्रेबल को भी फुल करके, ये देखिए तो बीप साउंड से आपको पता लग जाएगा। एंड एक एडवांटेज और है, इसे हम ऐप के थ्रू भी यूज कर पाएंगे, मतलब इस साउंड बार को, तो ये भी मुझे काफी बढ़िया लगा है। तो दोस्तों अब क्या है कि आपको थोड़ा सारे गामा का भी परफॉर्मेंस चेक करा देते हैं जो इस पर प्री लोडेड गाने हमें मिलते हैं एंड देखते हैं कि यार कितना मजा आ रहा है उनको सुन के। प्लीज अपने हेडफोन्स का यूज करिए। सो मैं इसे सारे गामा मोड में रख देता हूँ, देखिए रिमोट कंट्रोल पे हमें बटन मिल जाता है सारे गामा मोड। Thank you.
तो दोस्तों यार देखा आपने कि यार प्री लोडेड गाने जो है वो कितने मस्त हैं इसमें, मतलब हमें भी अच्छे लग रहे हैं, काफी एंजॉय कर रहे हैं हम इन गानों को सुन के। एंड आपके घर में अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, तो उनको काफी पसंद आएगा, मतलब बहुत अच्छी चीज है ये। 1000 गाने जो है एवरग्रीन दे रहे हैं इन्होंने, एंड हमारे जो दादा दादी हैं उन्हीं के हिसाब से बना रहेगा ये प्रोडक्ट, तो मुझे बढ़िया लगा ये। तो चलिए दोस्तों अब अपने साउंड बार पर ब्लूटूथ का परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं एंड देखते हैं कि यार अगर आप इसे टीवी के लिए या मूवी वॉचिंग के लिए परचेस करते हैं तो किस तरीके का परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। तो देखिए दोस्तों हमने अपना फोन जो है वो ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लिया है। प्लीज आप अपने हेडफोन्स का यूज करिए तभी आपको एग्जैक्ट में ऑडियो क्वालिटी का पता लग पाएगा। तो दोस्तों यार हमने इसकी ऑडियो क्वालिटी काफी डिटेल में टेस्ट आपको करवा दिया, आई थिंक आपको पता लग गया होगा कि इस साउंड बार पर हमें किस तरीके का परफॉर्मेंस मिल जाता है। दोस्तों ऑडियो क्वालिटी तो मैं इसकी डिसेंट ही कहूंगा, नॉट गुड नॉट बैड। अगर आपको क्लियरिटी अच्छी चाहिए तभी आप इस साउंड बार को परचेस कर सकते हैं, बट अगर आपको बेस क्वालिटी या लाउडनेस अच्छी चाहिए तो यार वहां पर ये मॉडल मुझे थोड़ा सा वीक लगा है, ये टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, एंड मैंने इसे काफी डिटेल में टेस्ट कराया। अगर आप लोग बेस लवर हैं तो बिल्कुल भी आपके लिए ये मॉडल बना नहीं है, क्योंकि एक तो हमें सबवूफर नहीं मिलता है, उसके बाद साउंड बार पर भी उतना डीप बेस हमें नहीं मिलता है, एंड प्राइसिंग दोस्तों इसकी 6500 रुपीज है। सो उस हिसाब से यार बेस क्वालिटी भी कम है इसकी, एंड लाउड भी दोस्तों ये उतना नहीं है, जबकि 60 वॉट का ये साउंड बार है उस हिसाब से लाउडनेस में भी मुझे थोड़ी सी कमी लगी है। हाँ डिसेंट लाउडनेस आपको मिल जाएगी, बट आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसी होगी कि यार इस साउंड बार से आप पार्टी वार्टी एंजॉय करें अपने रूम पे, तो वो चीज इससे पॉसिबल नहीं है। हाँ अगर आपको मीडियम वॉल्यूम पर सॉन्ग सुनने का शौक है एंड आप ओल्ड सॉन्ग ज्यादा सुनते हैं तो तब ये मेरे हिसाब से काफी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। अदरवाइज दोस्तों यार बेस लवर एंड यंग जनरेशन तो मेरे हिसाब से मत खरीदेगा, उतना मजा आपको नहीं मिलेगा। आप FND को परचेस कर सकते हैं, FND के साउंड बार परचेस कर सकते हैं, वो काफी बढ़िया रहेंगे। ये मॉडल ऑडियो क्वालिटी वाइज डिसेंट ही है, मतलब क्लियरिटी अच्छी है, बाकी मुझे एवरेज ही लगा। अब दोस्तों इसे टीवी के साथ कनेक्ट करते हैं क्योंकि HDMI ARC का पोर्ट भी हमें मिल जाता है, एंड देखते हैं कि यार टीवी वॉचिंग पे कितना बढ़िया परफॉर्मेंस है। अब हो सकता है कि यार HDMI ARC से दोस्तों इसकी जो क्वालिटी है वो हमें काफी बढ़िया मिले एंड जो हमारा वर्डिक्ट है वो चेंज हो जाए, तो वो चीज हम टेस्ट करने के बाद आपको बताते हैं। सच पेड़ के पीछे की तरह होता है, लेकिन बाहर आ जाता है। लेकिन मिलता क्या है? कुछ नहीं। वो पीछे के रास्ते से क्यों आ रहे हैं? हम समझा ये छानबीन चलती रहेगी। पावरफुल पीपल। अपने साउंड बार को टीवी के साथ भी कनेक्ट करके आपको पूरा परफॉर्मेंस टेस्ट करवा दिया है। दोस्तों टीवी वॉचिंग पे इस मॉडल का जो परफॉर्मेंस है ना वो बढ़िया है, मतलब यहाँ पर आपको कमी नहीं मिलेगी अगर आप इसे HDMI ARC केबल के थ्रू कनेक्ट करेंगे। जितना हमने एक्सपीरियंस करा दोस्तों डायलॉग्स काफी क्रिस्टल क्लियर सुनाई दे रहे हैं, जो एक्शन सीन्स में दोस्तों साउंड होता है ना वो भी हमें काफी बढ़िया मिल जाता है। साथ में दोस्तों रिमोट कंट्रोल पर हमें मूवी मोड भी मिल जाता है, सो हमने इसे मूवी मोड में रखा था। सो दोस्तों यार मेरे को टीवी वॉचिंग पे जो इसका परफॉर्मेंस है वो काफी बढ़िया लगा है। अगर आपको टीवी के लिए चाहिए एंड आपको सिंगल साउंड बार चाहिए तो तब आप इसे परचेस कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी। साथ में मैंने आपको बता ही दिया है आपके घर में अगर दादा दादी हैं तो उनके लिए भी ये मॉडल काफी बढ़िया हो सकता है, बट अगर आप लोग बेस लवर हैं आपको हैवी साउंड चाहिए तो यार वहां पर ये मॉडल बेस्ट ऑप्शन नहीं है, तब आप इसे मत परचेस करिएगा। सो मैंने आज के वीडियो में दोस्तों आपको काफी डिटेल में प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ बता दिया है, साथ में प्रोडक्ट के बारे में भी पूरी डिटेल में बता दिया है। सो आशा करता हूं यार आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो जरूर से यार वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप लोग हमें फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।